हमारे चैनल हाउ टू सीखे के साथ अप टू डेट रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल के आइकॉन को दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू सीखे चैनल पर एक बार आपका फिर से वेलकम करता हूं। अगर आप अपने वीडियोस में इस तरह का मोबाइल फ्रेम यूज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको इसमें सबसे सही तरीका बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने वीडियोस में इस मोबाइल फ्रेम का यूज़ करेंगे। तो चलिए सीख लेते हैं। अपने वीडियोस में मोबाइल फ्रेम का यूज़ करने के लिए आपको मोबाइल फ्रेम जो है वो गूगल से डाउनलोड करना होगा। तो सबसे पहले हम अपने गूगल पे चलते हैं। ये देखिए, मैंने अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद आप क्या करें, इसको डेस्कटॉप वर्जन में कन्वर्ट कर लें। और डेस्कटॉप वर्जन में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट दिख रहे होंगे, इन 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए आप नीचे की तरफ आइए, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट, इस पर क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद ये जो आपका गूगल है वो बिल्कुल ऐसे खुलेगा जैसे कि आप डेस्कटॉप पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ मोबाइल फ्रेम PNG, और टाइप करने के बाद इसको सर्च कर लेते हैं। और सर्च करने के बाद आपके सामने इस टाइप से रिजल्ट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा इमेज का, ये रहा इमेज का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो हैं वो इमेजेस जो हैं वो शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस जो हैं वो शो हो रही हैं मोबाइल फ्रेम की, लेकिन आप ऐसी गलती मत करिएगा, इसमें से कोई भी मोबाइल फ्रेम ज़रूरी नहीं है कि वो कॉपीराइट ना हो, कॉपीराइट भी हो सकता है। तो कॉपीराइट ना हो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सेटिंग का, ये रहा सेटिंग का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा एडवांस सर्च का, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप से विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आइए, और सबसे नीचे की तरफ आ जाइए, एडवांस सर्च से ठीक ऊपर की तरफ लिखा हुआ है यूजेस राइट्स, इस पर सामने लिखा हुआ है नॉट फिल्टर्ड बाय लाइसेंस, इस पर यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेनू दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप से पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर 5th नंबर पर दिया हुआ है फ्री टू यूज़ शेयर और मॉडिफाइड इवन कॉमर्शियली, इस पर क्लिक कर दीजिए। और इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे और उसके बाद एडवांस सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फ़िल्टर होके आ जाएंगी, जितनी भी इमेजेस हैं वो फ़िल्टर हो जाएंगी, और आप वो इमेजेस शो होंगी जो आप आसानी से अपने वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। इस टॉपिक में मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा कि कॉपीराइट फ्री इमेजेस को आप किस तरीके से गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस फ्रेम को यूज़ करने वाला हूँ, ये फ्रेम मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर लॉन्ग प्रेस कीजिएगा, और लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड इमेज का, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये इमेज जो है वो डाउनलोडिंग पर लग जाएगी, और ये डाउनलोड हो चुकी है, तो ये हमारे गैलरी में पहुँच जाएगी डाउनलोड होने के बाद में। अब हम क्या करेंगे, अपने काइन मास्टर को ओपन करेंगे, ये रहा हमारा काइन मास्टर, काइन मास्टर के बीच में प्लस का आइकॉन दिख रहा होता है, इस पर क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा MPT प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने काइन मास्टर जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको सबसे पहले जो है वो अपने बैकग्राउंड को इम्पोर्ट कराना है, उसके बाद अपनी उस वीडियो को इम्पोर्ट कराना है जिसमें आपको मोबाइल फ्रेम ऐड करना है, और सबसे आखिर में अपने मोबाइल फ्रेम को इम्पोर्ट कराना है। तो इन 3 स्टेप को आप फॉलो करते हुए आप अपने वीडियोज़ में आसानी से मोबाइल फ्रेम का यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ज़रा सी भी गलती हो गई इसमें तो आप जो है वो अपने वीडियोस में मोबाइल फ्रेम नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे पहले आपको मीडिया ब्राउज़र ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी गैलरी जो है वो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आप अपनी गैलरी में से कोई भी बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर पूरी गैलरी दी हुई है। और अगर आप गैलरी में से नहीं यूज़ करना चाहते तो आप काइन मास्टर की अपनी एक गैलरी है बैकग्राउंड की, ये लिखा हुआ है 1 पे बैकग्राउंड, इस पर क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये काइन मास्टर की अपनी गैलरी जो है ओपन हो गई है। तो मैं यहीं से एक बैकग्राउंड चूज़ कर लेता हूँ, ये वाला बैकग्राउंड मुझे सही लग रहा है, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये जो टाइमलाइन है आपकी, इसको पीछे की तरफ ले आइए, ये ले आया मैं।
और लाने के बाद में अब आप ये राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, और जैसे ही राइट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप से आपका बैकग्राउंड दिखने लगेगा। और जब आप बैकग्राउंड चूज़ कर लें उसके बाद ये लेयर का ऑप्शन होता है, अब इसका यूज़ करना है तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं मीडिया पे क्लिक कर देता हूँ, ये रहा मीडिया का ऑप्शन, पे क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर जो आपने वीडियो डाउनलोड किया हुआ है उस वीडियो को यहाँ से इम्पोर्ट करा लीजिए। तो यहाँ से मैं अपने वीडियो को इम्पोर्ट करा लेता हूँ। ये देखिए मैंने अपना वीडियो जो है वो इम्पोर्ट करा लिया है, और इम्पोर्ट कराने के बाद अब आप इस बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए, और जहाँ तक ये वीडियो है वहाँ तक इस बैकग्राउंड को भी लेकर जाइए। इस तरीके से इसको यहाँ से पुश करते हुए आगे की तरफ लेकर जाइए जहाँ तक आपका वीडियो है। तो आप देख लीजिएगा कहाँ तक आपका वीडियो है वहाँ तक आप इसको लेकर जाइए। मैं बस इतना ही रहने देता हूँ आपको दिखाने की वजह से, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। तो मैंने इस पर अपना वीडियो इंपोर्ट करा लिया, और वीडियो इंपोर्ट कराने के बाद इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ कि कहाँ पर मुझे एडजस्ट करना है अपने वीडियो को। तो मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ, एक साइड से एडजस्ट कर लेता हूँ, और फिर इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ। ये मैंने बड़ा कर लिया। अब सबसे आखिर में आपको अपने मोबाइल फ्रेम को इम्पोर्ट कराना है, तो पहले इसको चूज़ कर दीजिए, यहाँ पर राइट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद फिर से लेयर पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद फिर से मीडिया पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपने मोबाइल फ्रेम को इम्पोर्ट करा लीजिए। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल फ्रेम जो है इस डाउनलोड ऑप्शन में पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ मैं, और ये देखिए हमारा ये रहा मोबाइल फ्रेम, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद ये देखिए मोबाइल फ्रेम आ चुका है, और इस मोबाइल फ्रेम को भी हम वहाँ तक कर देते हैं जहाँ तक कि हमारा वीडियो है। तो इस तरीके से ये मैंने वहाँ तक कर दिया मोबाइल फ्रेम जहाँ तक कि हमारा वीडियो है, और इसको टाइमलाइन को खिसका कर मैं पीछे की तरफ ले आता हूँ इस तरीके से। तो हमारा ये मोबाइल फ्रेम लग चुका है, अब हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं मोबाइल फ्रेम को, अपने वीडियो के हिसाब से इसको बड़ा कर लिया। अब बड़ा करने के बाद इसको एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर आपको ज़रा ख्याल रखना है कि ज़्यादा बड़ा ना हो ना ज़्यादा छोटा हो, अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो आपकी वीडियो जो है वो सही से फिट नहीं हो पाएगी। तो मैं इसको उस हिसाब से सेट कर लेता हूँ जिस हिसाब से हमारा वीडियो का साइज़ है, तो ये मुझे बिल्कुल एक्यूरेट लग रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो अब आप जब ये आप कन्फर्म हो जाए कि हाँ ये बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, तो यहाँ पर एक ऊपर राइट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद अब आप इसको प्ले करके देख सकते हैं। यहाँ से मैं प्ले करके देख लेता हूँ, ये देखिएगा ये वीडियो हमारा प्ले होने लगा है। तो इस तरीके से आप अपने वीडियो में आसानी से मोबाइल फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ, और पॉज करने के बाद अगर आप इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर शेयर का ऑप्शन दिया होगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा सेव वीडियो टू गैलरी, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ से आपसे रेजोल्यूशन पूछा जाएगा, तो मैं हाई डेफिनेशन कर देता हूँ। और ऐसा करने के बाद अब आपका जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट होने लगेगा। तो अब आपकी वीडियो के साइज़ के ऊपर है कि आपका वीडियो का साइज़ कितना बड़ा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर टाइम लगने वाला है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने वीडियोज़ में मोबाइल फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे कहना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इस तरह के बहुत सारे वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, थैंक यू।